लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन, जिले में बनाए गए कुल 700 बूथ 135 बूथ संवेदनशील और अति संवेदनशील में शामिल। पहली बार मतदाता स्लीपर होगा पोलिंग स्टेशन का मैप। बुजुर्गों और अशक्तों को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए एनसीसी एनएसएस कैडेट की ली जाएगी मदद। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस के पुख्ता प्रबंध। तीनों विधानसभाओं के लिए सुरक्षा बलों की 3 अतिरिक्त कंपनियां मिलने की उम्मीद। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बुजुर्ग अशक्त प्रत्येक मतदाता मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच सके, इसके लिए भी प्रशासन तैयारियां कर रहा है। चुनाव के अंतर्गत हमने सबसे पहले तो हमारे जितने भी बूथ है उनका फाइनलाइजेशन किया है। इसके अंतर्गत हमारे 700 बूथ हैं, प्लस उसमें से 4 ऑक्सिलरी बूथ का हमने प्रस्ताव उसमें इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया। इसके साथ साथ हमने जो हमारे संवेदनशील और अति संवेदनशील है वो आइडेंटिफाई कर दिए हैं और उनकी सारी डिटेल्स हमने एसपी साहब के माध्यम से लेके उनको चिन्हित कर लिया है। और उसमें हमारी जो टीम है वो उसमें विजिट कर रही है ताकि उसमें पुलिस पार्टी भी और हमारी जो सिविलियन ऑफिसर्स की है दोनों कंबाइंडली विजिट कर रही है ताकि उसमें जो प्रशासन का एक डर है वो बना रहे। साथ के साथ जो भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि इसमें बाधा में करता है इलेक्शन के अंदर उसको भी बाउंड डाउन किया जा सके। जिले की तीनों विधानसभाओं में इस बार करीब 16,000 से अधिक नए मतदाता पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। यह बात डीसी धीरेन्द्र खटगड़ा ने आज मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताई। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतदाताओं को दी जाने वाली मतदाता स्लिप के पीछे संबंधित पोलिंग बूथ का नक्शा भी छापा जाएगा ताकि मतदाता को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसके लिए जिले में 3 महिला पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे जहाँ सभी कर्मचारी महिलाएं होगी। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 135 संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की सूची आयोग को भेजी गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्याशियों के खर्चे पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें गठित की गई है जो लगातार उन पर नजर रखेगी। मतदाता स्लिप के अंदर इस बार पहली बार ये किया गया, मतदाता स्लिप के अंदर जो बूथ है उसका डिटेल्स भी रहेगी पीछे की साइड में और उसमें आपका नक्शा भी रहेगा कि ताकि उसको जो भी मतदाता है उसको ये रहे कि वो उस एरिया में विजिट करें, वो जो बूथ है वो पास में है और उसके आसपास ही है उसको देख सकते हैं। नए वोट कितने बने हैं सर इस बार जिले में? लगभग हमारे 15,000 नए वोट बने हैं और पूरे हरियाणा में लगभग 6,00,000 नए वोट बने हैं। पिंक बूथ की क्या विशेषता है? देखिए, पिंक बूथ का जो कॉन्सेप्ट है वैसे तो ये महिला बूथ है, महिला पूर्णतः महिला स्वावलंब या उसके द्वारा मैन किया गया बूथ है। वो इस बार इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है लेकिन उसमें क्योंकि कई बार ये भी कई बार पार्टियों ने उठाया कि इसमें कोई विशेष कलर न दिया जाए तो इसलिए इसको पिंक बूथ ना करके इसको महिला, क्योंकि पिंक एक सिंबल है महिला का, तो उससे लेकिन हटा दिया गया है। अब केवल महिला द्वारा संचालित या महिला कर्मचारियों के द्वारा ही जो संचालित बूथ माना जाए। महिला कर्मचारियों को भी सम्मानित करने के बाद की जा रही है, बिल्कुल लगाएंगे जो। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं हमने 3 जो ऐसे बूथ हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं और उसमें पूर्णतः महिला कर्मचारी रहेंगी, लेकिन क्योंकि इलेक्शन में जैसे आप जानते हैं तय बात के अंदर थोड़ी सी हमारे पास चाहते हैं कि महिला भी उसके अंतर्गत बूथों के अंदर जाके अपना काम उसमें देखे, तो और इसमें हमने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया है इसमें जो भी महिला कर्मचारी हैं वो स्वयं उसमें अपना इलेक्शन के अंदर योगदान देने के लिए अपनी तरफ से आवेदन करती हैं तो हम उसको अर्बन एरियाज़ के अंदर उसमें या फिर कुछ रूरल एरियाज़ के अंदर भी उसमें अप्लाई करेंगे PO लेवल पे AP लेवल पे ताकि जो उनका तरफ से जो नारी सशक्तिकरण का एक मैसेज है वो जाए। वही सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं जिनमें असला धारकों को अपने हथियार थानों में जमा करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिनमें करीब 70% से अधिक लोगों ने अपने हथियार जमा भी करवा दिए हैं जबकि अन्य को तुरंत हथियार जमा करवाने के लिए कहा गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप ने बताया कि मतदान शांतिपूर्वक करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष नाके लगाए गए हैं जबकि जिले में सुरक्षा बलों की 3 अतिरिक्त कंपनियां आने की उम्मीद है जिनमें संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाएगा। पुलिस बल पूरी तरीके से जिले का तैयार है अच्छे से इलेक्शन कराने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, और लगातार 10 मार्च से पुलिस एक्शन में है और इस दौरान लगभग 7 असले अवैध पकड़े गए हैं, करीब 8,000 बोतल शराब देसी अंग्रेजी और लहान पकड़ा गया है, करीब 70% लोगों ने अपना असला जमा करा दिया है और 33 मुकदमे NDPS और एक्साइज एक्ट के दर्ज किए गए हैं। पूरे जिले में 15 फ्लाइंग स्क्वाड
12 नाके और 9 SST स्टैटिक सर्वेलेंस टीम काम कर रही है। और जो नॉर्म्स आई है बूथ डिप्लॉयमेंट की, उस हिसाब से सीनियर अधिकारियों को भी अवेलेबल फोर्स के अलावा जो एडिशनल फोर्स चाहिएगी उसे अवगत करा दिया गया है। ज़िले में 49 लोकेशंस को सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव माना है और टोटल 135 बूथ कवर उसके तहत किए गए हैं। हर तरीके से हम तैयार हैं और बहुत ही अच्छा और फेयर और फ्री इलेक्शन कराएंगे। सुनील कुमार की रिपोर्ट।